इंडियन मॉम इन कैनेडा, कैसे हैं आप सब? तो लंच मैंने प्रिपेयर कर लिया है, आप देखिएगा मैंने बनाया है आज साग और मक्के की रोटी। बहुत दिनों के बाद बनाई है मैंने मक्के की रोटी। जब मम्मी पापा यहाँ थे ना तब बनाई थी मैंने, और उसके बाद साग तो बहुत बार बन गया बट मक्के की रोटी नहीं, क्योंकि मक्के की रोटी बनानी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है तो आलस आता है। बट लकीली 3-4 महीनों के बाद मैंने ट्राई की, बन गई, थैंक यू गॉड। आज आर्य के पापा खुश हो जाएंगे क्योंकि कल हम मक्खन भी लाए थे, तो फिर साग के ऊपर मक्खन डालकर साथ में हो मक्के की रोटी और लस्सी भी है तो कितना मज़ा आएगा, है ना? आज मैं बना रही हूँ साग। साग को तड़का लगाने के लिए रखा है मैंने, तड़का इतना ही। अब मैं इसमें मिलाती हूँ साग, सो यम्मी। साग बना है तो साग के साथ मक्की की रोटी मज़ा लिया जाएगा, है ना? तो देखिए साग मेरा बिल्कुल रेडी है, तवा मैंने रख दिया है, चकला बेलन तैयार है, आटा मैंने गूंथ लिया है। तो चलिए फिर बनाते हैं मक्की की रोटी। मेरी मक्की की रोटी, एक्चुअली मैंने ये परांठा बना दिया क्योंकि जब मक्की की रोटी खाते हैं ना बहुत ड्राई हो जाती है, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, और हमारे घर में सभी ऐसे ही खाना पसंद करते हैं। मक्की रोटियाँ मैंने बना ली हैं, जब इसके पापा आएंगे तब उन्हें गर्म गर्म सर्व कर दूँगी। मक्की की रोटियाँ मेरी रेडी हैं, और हाँ मैंने कुछ सिंपल रोटियाँ भी बनाई हैं बिकॉज आई नो कभी कभी आरव नहीं खाता। हाय, क्या कर रहे हो? नथिंग। नथिंग? पापा को ढूंढ रहे हो? या पापा इज इनसाइड। या आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर हिम। से हाय। सच मुझे आपको एक बात और बतानी थी कि मुझे जॉब से कॉल आ गई है। हमारे यहाँ पर लॉकडाउन टोटली ख़त्म हो गया है। लॉकडाउन तो पहले भी नहीं था बट हाँ थोड़ा बहुत था कि आपको जॉब से ले ऑफ मिल गया था कि आप घर बैठिए बिकॉज़ कोरोना वायरस की वजह से। और अब मुझे कॉल आ गया है, मुझे जॉब पर वापस जाना है। 3 महीनों के बाद मैं जॉब पर जाऊंगी। थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि 3 महीने घर पे बैठ के उसके बाद जॉब पर जाना, वो सारी रूटीन अब फिर चेंज हो जाएगी, है ना? स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल लगता था मुझे घर पर बैठना। लाइफ पहले बहुत बिज़ी होती थी, अभी भी बिज़ी थी बट फिर भी ये होता है ना, घर पे काम तो हम करते हैं बट ये होता है कि अपनी मर्ज़ी से कर लिया, बैठ गए फिर कुछ कर लिया, कुछ खा लिया, कभी मन किया कुछ बना लिया। बट अभी जॉब पर जाएंगी तो फिर पूरी पंचुअलिटी से टाइम का एक एक मिनट ना बहुत कीमती होगा कि हाँ इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे वो करना है। अच्छा भी लगेगा क्योंकि रूटीन फिर दोबारा से अच्छी बन जाएगी, टायर्ड भी हो जाया करेंगे हम बहुत ज़्यादा। आई नो मैं और आरव हम दोनों इकट्ठे ही जाएंगे, इकट्ठे आएंगे। एंड 9 to 5 मेरी जॉब है तो सुबह 8:30 निकला करूँगी और शाम को 5:30 तक तो पहुँच ही जाया करूँगी, जल्दी ही पहुँच जाया करूँगी। बट अभी जुलाई की 1st week में मुझे जाना है, तो मैं खुश हूँ कि लाइफ दोबारा से पहले जैसी हो जाएगी। अब मुझे बिज़ी रहना बहुत अच्छा लगता है, हालांकि घर पर रहकर भी मैं बहुत काम करती हूँ, ऐसा नहीं है। आज मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, बहुत बुरी तरीके से टायर्ड हो गई हूँ अब मैं। जैसे ही मुझे पता लगा कि मुझे जॉब पर जाना है तो बस फिर क्या था, वैसे तो मैं हर वीक में एक दिन ऐसा निकालती हूँ कि अपनी किचन को डीपली क्लीन करूँ, बट आज मेरे को ये था कि आज ही कर दूँ बस। और ऊपर से साग बनाना था, मक्की की रोटी बनाई और किचन सारी मैंने फैला ली थी, तो एक बार तो लगा क्यों पंगा ले लिया नहीं। हाँ फिर बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है और गर्मी इतनी ज़्यादा थी। पहले सुबह शावर लिया फिर काम किया तो इतना गंदा गंदा फील हो रहा था, देन अभी दोबारा मैं शावर ले कर आई हूँ। टाइम 3:20 हुए हैं, आरव के पापा आ गए हैं, मैं उनकी गाड़ी देख रही हूँ, तो या वो आ गए हैं। तो चलो पहले मैं डोर ओपन कर देती हूँ, फिर मैं आपसे बात करूँगी, ठीक है? हो गई है तैयार। इसमें मैंने डाला है नमक एंड काली मिर्च। शर्मा जी की प्लेट लग चुकी है, ये देखिए साग, मक्की की रोटी, लस्सी,
आज तो ऐसे फील हो रहा है कि पंजाब में बैठे हैं। आइए आप भी खा लीजिए। लंच हो गया है डन, टाइम हो गए हैं 4 o'clock। अरब के पापा बहुत खुश थे आज, कहते मज़ा आ गया नेहा, मैंने कहा थैंक यू। तो अभी मैं रेस्ट करूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सुबह से उठी हुई हूँ, बस काम ही काम काम ही काम। अभी पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। इट्स स्नैक टाइम, तो मैंने बना लिया है बनाना शेक। आरो वैसे तो बनाना खाता नहीं है, तो ट्राई करती हूँ कि बनाना शेक पी ले। ये था मेरा आज का ब्लॉग, अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन।